हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ टूडे एंड अगेन मैंगो को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक हमने मैंगो के डिजीजेस देख ली हैं पेस्ट देख ली हैं इन पार्ट एट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सम ऑफ द डिसऑर्डर्स बट ये जो आपके डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली क्या है आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे एंड आई वुड रिकमेंड की जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम तो ये आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एग्रीकल्चर स्टैटिक करके एक एग्रीकल्चर स्टैटिक है एक एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यू है तो सारे वीडियोज देखें वेरियस प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग चाहे वो करंट अफेयर की है एग्रीकल्चर चाहे वो एग्रीकल्चर स्टैटिक है एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज हैं ठीक है जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रॉप डाटा की प्लेलिस्ट बनी हुई है ये सारी वीडियोस आप देखें स्पेशली अगर आप इस साल का आई बी का एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप देने जाएंगे तो डेफिनेटली ये सब की सब वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत छोटी छोटी वीडियोज मैं बनाता हूं यहाँ पर आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे दो दो घंटे के लेक्चर्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम लेक्चर्स को बना रहे हैं तभी आप देख रहे हो मैंगो का भी पार्ट एट आ गया है क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इंडिविजुअल टॉपिक्स को पिकअप कर रहे हैं ताकि इजीली आप कवर कर सको सेल्फ स्टडी के बीच में थोड़ा बोर हो गए तो वीडियो प्ले कर लिया है ना तो ये एक वे है जिसको हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर मैंगो के जो मेनली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करने हैं उसके अंदर आपका ब्लैक टिप आ जाएगा इंटरनल नेक्रोसिस फ्रूट क्रैकिंग फ्रूट ड्रॉप क्लस्टरिंग और झुमका जेली सीड और स्पॉन्जी टिश्यू ये आठ फिजियोलॉजिकल डिस को डिस्कस करेंगे एक एक करके स्टार्ट करते हैं ब्लैक टिप से तो ब्लैक टिप आप देख रहे हो इमेज में इस तरह का मैंगो फ्रूट हो जाता है अगर ब्लैक टिप की प्रॉब्लम रहती है और काफी सीरियस ये एक फिजियोलॉजिकल डिसर है क्योंकि इकोनॉमिक लॉस काफी हो जाता है ऐसा मैंगो बिकता नहीं है और एक्सपोर्ट में तो आप लेकर के चलो कुछ आएगा ही नहीं हाथ में दशेरी जो वेराइटी है मैंगो की वो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर होती है ब्लैक टिप की प्रॉब्लम के अब कई बार वो सिंपली इसी में से क्वेश्चन उठा लेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ मैंगो इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ब्लैक टिप उसमें चार पांच वेराइटीज दे देगा दशेरी और सबसे लोएस्ट रिस्क के ऊपर जो वेराइटी होती है वो होती है लखनऊ सफेदा लखनऊ सफेदा में सबसे कम चांसेस होते हैं कि आपकी ब्लैक टिप की प्रॉब्लम हो फ्रूट के ऊपर इफेक्ट ब्लैक टिप का मार्बल स्टेज के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है और इससे स्टार्टिंग में क्या होगा आपका जो टिश्यूज हैं वो येलो होने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से एंड के ऊपर मैंगो फ्रूट के एंड धीरे धीरे वो कलर इंटेंसिफाई होता जाएगा एंड अल्टीमेटली वो पहले येलो से ब्लैक ब्राउन और फिर ब्राउन से फाइनली ब्लैक इस तरीके से आपका मैंगो आपको दिखेगा <coughs> अगर हम ब्लैक टिप की बात करें तो ultimately अगर black tip आपके fruit को इफेक्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा आपके फ्रूट की डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगी एंड धीरे धीरे ये ब्लैक टिप जो है ये या ये जो ब्लैक स्पॉट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा जैसे अभी तो सिर्फ यहाँ पर एंड पर दिख रहा है ना धीरे धीरे ये आगे की तरफ जो है बढ़ता जाएगा सड़ता जाएगा एक तरीके से ठीक है एंड ये जो फ्रूट्स होते हैं ये जल्दी प्री मेच्योरली रिपेन हो जाते हैं प्री मेच्योरली पक जाते हैं और येल्ड भी काफी कम होता है ऐसे फील्ड्स में जहां पर ब्लैक टिप का इंपैक्ट हो ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है ब्लैक टिप की जहां पर ईंटों की भट्टे होते हैं ना जहां ईंटे बनती है जिसको हम ब्रिक ब्रिककि बोलते हैं वहां पर यह एक बड़ा मेजरली देखने को मिलता है जो ऑर्कर्ड आसपास होते हैं जो आम के बाग आसपास होते हैं ना ब्रिक ब्रिककि के वहां पर यह सबसे सब ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है क्योंकि जो ईंटों के भट्टे में से धुआं निकलता है ना उसको मेजर रीजन कंसिडर किया जाता है ब्लैक टिप की प्रॉब्लम का ब्लैक टिप से प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो जब आपका फ्रूट मार्बल स्टेज पे है तब आप बोरेक्स या वॉशिंग सोडा को स्प्रे करें जो इस डिजीज को कंट्रोल कर सकता है इसके अलावा कॉस्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा को भी आप यूज कर सकते हो काफी एक्सपेरिमेंट्स में इसको भी बेनिफिशियल पाया गया है अब देखो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब जैसे ब्रिक ब्रिककि वाला है ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो का जो उन ऑर्किड्स में देखा जाता है या जो उन आम के बागों में देखा जाता है जहां पर ब्रिक किल्स हैं आसपास सीधा क्वेश्चन ठीक है सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर पढ़ाई की हुई हो कोई एक पढ़ने वाला सीरियस कैंडिडेट है तो उसके लिए यह मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ओके या वो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से कंपाउंड को यूज कर सकते हो आप ब्लैक टिप से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक टिप के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है वो है इंटरनल नेक्रोसिस का इंटरनल नेक्रोसिस में आपका जो फ्रूट है वो इस तरीके का हो जाता है आप देख सकते हो इसमें बेसिकली क्या होता है शुरुआत के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर ना वॉटर सोक कर लिया हो मैंगो ने ठीक है वो बहुत ज्यादा गीला गीला आपको लगेगा जैसे पानी उसके अंदर भर गया हो और धीरे धीरे वहां पर एक ब्राउनिश कलर डेवलप होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे वाटर स्पॉट्स हैं जो ब्राउन कलर के हैं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपस में ज्वाइन कर जाएंगे एंड अल्टीमेटली एक डार्क ब्राउन पैच ये क्रिएट कर देंगे ठीक है एंड बेसिकली लोअर पार्ट से मैंगो के इस वाले पार्ट से इफेक्ट आना शुरू होता है और वो धीरे धीरे ब्राउन एंड अल्टीमेटली ब्लैक होना शुरू हो जाएगा एंड ये जो फ्रूट्स हैं अगेन लंबे समय के लिए आप इसको रिटेन नहीं कर सकते एंड प्रीमेच्योरली ये ड्रॉप हो जाते हैं पेड़ पे से इसको अगर आपको डिसऑर्डर को क्योर करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो आप सॉइल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ट्री के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो ठीक है और ये बेसिकली अक्टूबर के टाइम पर रिकमेंडेड होता है नेक्स्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है दोस्तों वो है फ्रूट क्रैकिंग का तो मैंगो फ्रूट क्रैकिंग भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो ये ना इस तरीके से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं फ्रूट के अंदर और जो क्रैक्ड फ्रूट होता है ना वो बहुत जल्दी खराब होगा क्योंकि उसके अंदर ना डिजीजे और पेस्ट अटैक का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है और इसी वजह से और ये अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता तो मार्केट में बेचना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और अल्टीमेटली जो ग्रोवर है उसको लॉस होगा इसके अंदर आप हार्वेस्ट करने से पहले एनए या पोटेशियम या बोरॉन का स्प्रे कर सकते हो ठीक है सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करो फील्ड के अंदर वो भी एक मेजर रीजन बन जाता है सॉइल मॉइस्चर अगर फील्ड में नहीं है फ्रूट क्रैकिंग का तो सॉइल मॉइस्चर एडिक्वेटली स्पेशली जब आपका ड्राई समय चल रहा है ड्राई पीरियड चल रहा है उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करें नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा दोस्तों दैट इज फ्रूट ड्रॉप तो फ्रूट ड्रॉप बेसिकली जो अर्ली स्टेजेस होते हैं ना फ्रूट डेवलपमेंट के उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है एंड uh, जब फ्रूट हाफ से ज्यादा साइज अटेन कर लेता है तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है जो मेजर रीजन है अर्ली फ्रूट ड्रॉप का अब फ्रूट ड्रॉप बेसिकली क्या है कि प्रीमे फ्रूट पेड़ से टूट करके गिर गया तो ऑक्सिन लेवल कम है ठीक है उसके अलावा जो नेसेसरी प्रोटीन है लाइक गेब्रेलिन्स ठीक है वो एक रीजन हो सकता है एबीए या इथाइलिन इथाइलिन जो फ्रूट को पकाने के लिए यूज किया जाता है अगर इसका बहुत ज्यादा हाई आपने यूज कर लिया ए बी ए और इथाइलिन जैसे कंपाउंड्स का तो भी आपका प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप देखने को मिल सकता है ठीक है इसकी रिडक्शन के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो मल्चिंग करो ठीक है ताकि सॉयल मॉइस्चर को कंजर्व कर सको इरिगेशन करो फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं एन ए ए जैसे उनको प्रॉपरली यूज करो ओवर यूज मत करो ठीक है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मेजर पेस्ट एंड डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है अगर पेस्ट एंड डिजीजेस की प्रॉब्लम है तो भी फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल डिस्डर है और वो है क्लस्टरिंग और झुमका क्लस्टरिंग और झुमका के अंदर क्या होता है ना इस तरीके से जो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स आपको दिख रहे हैं ना अल्टीमेटली इन्होंने फ्रूट्स में डेवलप होना है तो इस तरीके से बंच क्रिएट हो जाएगा फ्रूटलेट्स का एक सिंगल पेनिकल के ऊपर एंड ये फ्रूटलेट्स ग्रो नहीं करेंगे ये फ्रूटलेट्स डार्क ग्रीन कलर के होंगे और इनका जो शेप है वो भी रेगुलर मैंगो या नॉर्मल शेप से अलग होता है ज्यादा कर्व्ड होते हैं ये और ये ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे ठीक है ये एक इतना मार्बल जितना साइज अटेन करेंगे और उसके बाद इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी एंड अल्टीमेटली ये फॉल ऑफ हो जाएंगे तो बेसिकली आपका जो मार्केटेबल फ्रूट है वो डेवलप ही नहीं हुआ मेजर रीजन इसका क्या होता है अगर आपके फील्ड के अंदर प्रॉपरली पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है क्या रीजन हो सकते हैं कि पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुई है वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं थी आपने पेस्टिसाइड्स का हैवी स्प्रे कर दिया अब पेस्टिसाइड का हैवी स्प्रे करने से क्या हुआ जो आपके पॉलीनेटर्स थे आपने उनको ही मार दिया तो अल्टीमेटली जब पॉलिनेटर ही नहीं बचे तो पॉलिनेशन कैसे होगा तो ये मेजर रीजन बनते हैं क्लस्टरिंग या झुमका की प्रॉब्लम के नेक्स्ट आ जाता है नोज ये अपने अपने घरों में भी देखा होगा जब आप आम खाते हो तो कई बार आप आम काटते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे टिप के ऊपर से या साइड में से वो आपको थोड़ा सा गला हुआ दिखता है है ना तो आपकी मम्मी कहला देती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है ज्यादा पका है तो वो बेसिकली सॉफ्ट नोज की प्रॉब्लम होती है ठीक है ये ज्यादातर साइड्स uh, में या बॉटम के अंदर देखने को मिलता है ठीक है और इसको सॉफ्ट नोज बेसिकली बोलते हैं मलेशिया जैसी कंट्रीज में इसको येस्टी फ्रूट रॉट या इंसिडियस फ्रूट रॉट भी बोला जाता है दशहरी के अंदर ये बहुत ज्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलता है एंड डिसऑर्डर जो है इट इज कंसीडर्ड कि फिजियोलॉजिकल नेचर का है किसी पेस्ट से नहीं हो रहा किसी वायरस से नहीं हो रहा और इसका क्योर अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है सॉफ्ट सॉफ्टनोज जैसा ही एक और डिजीज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं जेली सीड जैसे सॉफ्ट सॉफ्टनोज में तो क्या हो रहा है ना बॉटम से हो रहा है जेली सीड के अंदर क्या हो रहा है जेली सीड के अंदर आपका पल्प जो है वो पूरे का पूरा यहां से सीड के पास से लूजन होना शुरू हो जाएगा जो आम आम का गुठली जिसको आप बोलते हो स्टोन बोलते हो ना वहां से ये लूज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पल्प जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा लूज होना शुरू हो जाएगा ठीक है और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी है स्पेशली अगर कैल्शियम की डिफिशंसी uh, है तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है जेली सीड का मेनली जेली सीड की जो प्रॉब्लम है वो दशहरी के अंदर इंडिया में देखी जाती थी लेकिन पिछले कुछ सालों से चौसा और अमरापली के अंदर भी जेली सीड की प्रॉब्लम देखी जाने लगी है इसको कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड यही है कि आप न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर रखें और डाइहाइड्रेटेड uh, कैल्शियम का आप स्प्रे कर सकते हैं प्री हार्वेस्ट स्प्रे होता है ताकि जेली सीड की अक्रेंस ना हो ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेली सीड जो मैंगो के अंदर होता है वो किस न्यूट्रिय की डेफिशिएंसी से होता है या किस क्या आप उसके लिए क्या और यूज कर सकते हो तो डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम उसके अंदर आ जाएगा जेली सीड के बाद फाइनली जो आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है स्पॉन्जी टिश्यू तो स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा अल्फांज़ो एम मैंगो के अंदर देखने को मिलता है और प्रैक्टिकली मैं आपको सही बात बताऊं जब लाइफ में मैं पहली बार अल्फांजो मैंगो लेकर के आया था आज से अराउंड चार पाँच साल पहले तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था मुझे भी स्पॉन्जी टिश्यू का ही प्रॉब्लम मिला था और अल्फांजो एक ऐसा आम है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया में से और ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें क्या ना आम बाहर से बिल्कुल अच्छा दिखेगा आपको अल्फांजो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा बिल्कुल अच्छी उसमें से खुशबू भी आ रही होगी आपको ठीक है बाहर से उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किसी तरह का डिसऑर्डर है लेकिन जैसे ही आप उसको कट करोगे तो वो आपको अंदर से इस तरीके का मिलेगा तो एक्सटर्नल आपको कोई सिम्टम उसके अंदर नहीं दिखेगा ठीक है लेकिन जब आप काटोगे तो फ्लैश जो है वो इस तरीके से पूरी तरह से सड़ी हुई होगी इटेबल नहीं होता ठीक है जी तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम और इसको खाना भी नहीं चाहिए बिकॉज uh, काफी सीरियस हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट कर सकता है तो पहले तो ये जो डिसऑर्डर था ना अल्फोंजो में मेनली जो कोस्टल रीजन में uh, ग्रो किए जाते थे उनके अंदर देखने को मिलता था लेकिन रिसेंटली मलिका जैसे जो मैंगोज हैं जो ड्राई एरियाज में या जो कोस्ट से दूर एरियाज में ग्रो किए जाते हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किए जाते हैं उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर देखने को मिला है दशहरी के अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिला है ठीक है और इसमें मेनली जो काम बुरा जो खराब होना शुरू होता है वो जो आपकी गुठली होती है ना जो स्टोन होती है वहां से शुरू होता है और मैक्सिमम डैमेज भी वहीं पर नोटिस किया जाता है ठीक है जी इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है जो सोलर रेडिएशन बढ़ रहा है या सॉइल में से जो हीट अराइज होती है उसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है उसका रीजन उसको ठहराया गया है एंड मल्चिंग अगर आप इसके अंदर करेंगे तो वो इफेक्टिव कंट्रोल है ताकि वो हीट को कंट्रोल कर सके ओके सो विद विद दिस वी आर डन द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वेल गाइस अब एक नेक्स्ट वीडियो और हम बनाएंगे उसके अंदर हम पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर्स देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर्स के, के केस में कुछ डिसऑर्डर्स तो ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जैसे एंथ्रेक्नोस वगैरह ठीक है तो जो आ, उसके अलावा जो डिसऑर्डर्स होंगे उसको हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड ये जितनी भी हम थ्योरी कर रहे हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको मिल जाते हैं 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स के अंदर ये बहुत ही एक किफायती बहुत ही रीजनेबल प्राइस का तीन सौ रुपए कुछ भी नहीं होता ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है तीन सौ रुपए करते हो और क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस क्वेश्चन थर्टी क्विज है आप उसको सॉल्व करोगे फिर अल्टीमेटली आप सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मुझे इतने आते थे और जो नहीं आते थे उसके लिए सोल्यूशन आपके पास होंगे डिटेल्ड तो वो काफी एक हेल्पफुल चीज रहेगी तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और गाइस टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर करने की इच्छा हो तो शर्माइएगा मत चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय